asalaamu alaikum viewers and welcome to my channel study law with pushra so in today's video we are going to discuss the topic of treaty and formation of treaties under international law but before starting the discussion i request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback so let's move towards the discussion ट्रीटी एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज फर्स्ट इन टू दीनिंग ऑफ ट्रीटी वज ट्रीटी मीन ट्रीटी को अगर हम देखें तो ट्रीटी बेसिकली फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और ट्रीटी जनरली दो स्टेट के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट होता है अगर हम इसे आर्टिकल टू ऑफ लॉ ऑफ ट्रिटी नाइनटीन सिक्सटी नाइन के अंडर देखें तो उन्होंने ट्रीटी को इस तरह से डिफाइन किया है इस लॉ के अंडर कि एग्रीमेंट विच इज कंक्लूडेड बिटवीन द टू स्टेट्स इन रिटर्न फॉर्म एंड इज गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर कुछ उसके एजेंशियल एलिमेंट्स बता दिए हैं कि किन एलिमेंट्स का होना जरूरी है तब हम उसको ट्रीटी कंसिडर करेंगे एग्रीमेंट तो है दो स्टेट्स के दरमियान जनरली जन्र, तो यही कहते हैं के ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू स्टेट लेकिन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 कन्वेंशन के अंदर यह बताया गया है कि एग्रीमेंट तो है दो स्टेट्स के दरमियान लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए ट्रीटी मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म एंड सेकेंडली इज गवर्नड बाय इंटरनेशनल लॉ उसको कंट्रोल कौन कर रहा है उसको रूल ओवर कौन कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉ कर रहा है That's why treaty is considered an authentic and legal document. इसको एक authentic document consider किया जाता है अब यहां पर एक बात आती है कि जब हमने treaty बना ली तो उसमें क्या किसी किस्म की कोई amendment हो सकती है कोई changes हो सकती है So yes, if we want to do an amendment in the treaty, we can do, and that amendment in the treaty is simply called protocols. Treaty की basis क्या है ट्रीटी हमारे पास बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज इज द फर्स्ट लैटिन मैक्सिम दैट इज पैक्टा सेंट सरवेंडा ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका ये मतलब है दैट ऑल द एग्रीमेंट्स आर टू बी ट्रीटेड इन गुड फेथ यानी कि इंटेंशन आपकी क्या होनी चाहिए गुड होनी चाहिए बैड नहीं होनी चाहिए एंड सेकेंड सेकेंडली क्या है कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 सिक्सटी नाइन जिसने ट्रीटी की डेफिनेशन दी है ये दो चीजें इन दो चीजों पर ट्रीटी बेस करती है फर्स्टली पैक्टा पैक्टाट सरवेंडा एंड द सेकेंड वन इज कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज दैट वॉज पास ऑन ट्वेंटी थर्ड मे अब हम देखते हैं वट आर दी टाइप्स ऑफ ट्रीटीज सो ट्रीटीज आर बेसिकली कैटेगराइज इन टू टू टाइप्स नंबर वन इज बायोलैट्रल ट्रीटी नाम से ही जाहिर है। बाय दैट मींस टू यानी के कोई ऐसी ट्रीटीज दैट इज साइंड बिटवीन टू स्टेट्स इज कॉल्ड बायोटरल ट्रीटी यानी के जिन दो स्टेट्स ने आपस में ट्रीटी साइन की है नाउ बोथ आर बाइंड बाई इन दैट ट्रीटी यानी कि उस ट्रीटी की जितनी भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं जितनी भी शरात लिखी है अब वो दोनों स्टेट्स बाइंड हैं कि वो उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगी अकॉर्डिंग according, वो अकॉर्डिंगली वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगी फॉर एग्जाम्पल

सिंगल ट्रीटी विच इज साइंड बाय मैनी अदर स्टेट्स बहुत सारी स्टेट्स ने एक सिंगल ट्रीटी साइन की है इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी एन पी टी इसकी एग्जाम्पल है दैट वॉज साइंड बाय वन एटी नाइन स्टेट्स यानी के बहुत सारी स्टेट्स इसमें शामिल थी उसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर दैट वॉज फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी ट्रीटीज बनती कैसे हैं तो इसके कुछ स्टेजेस हैं हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेज क्या है एक्डिटिंग ऑफ रेप्रेजेंटेटिव एक्डिटिंग का क्या मतलब है तस्लीम करना किसी चीज की मंजूरी देना तो इसमें क्या होता है दैट ईच ऑफ द अपॉइंट्स अ रेप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कंट्री फॉर दिस पर्पज यानी कि हर स्टेट हर कंट्री ये डिसाइड करती है दैट हु शुड बी सेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव किस को ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी बना के भेजा जाएगा जो कि दूसरी स्टेट के साथ नेगोशिएशन करेगा रिगार्डिंग ट्रीटी ये होती है फर्स्ट स्टेज डिसाइडिंग दी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सेकंड आता है नेगोशिएशन एंड एडॉप्शन नेगोशिएशन का मतलब क्या है बातचीत करना अब जिस बंदे को कंट्री ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है नाउ

उस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री ने जब देखा कि द थिंग इज रीजनेबल उसने वो चीज अडॉप्ट कर ली नाउ आफ्टर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द द ट्रीटी नेक्स्ट दर्पज इज सिग्नेचर नाउ दैट ट्रीटी इज रेडी फॉर द सिग्नेचर अब वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा उस ट्रीटी पर अपना सिग्नेचर करेगा फोर्थ स्टेज आती है रेटिफिकेशन की रेटिफिकेशन किसको कहते हैं वेरिफिकेशन बाय द हेड ऑफ द स्टेट किसी चीज को वेरीफाई करना अब रेटिफिकेशन के स्टेट में क्या होता है स्टेज में क्या होता है ट्रीटी कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड अनटिल इट इज रेटिफाइड यानी कि जब तक ट्रीटी की रेटिफिकेशन नहीं होगी उस वक्त तक उसकी इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होगी नाउ ऑफ दी स्टेट में रेटिफाई द ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर बिहाफ नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास एक्सेशन एंड एडहेशन नाउ वट इज दैट एक्सेशन एंड एडहेशन एक्सेशन का मतलब है कि एक थर्ड पार्टी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटी की पार्टी बनती है वो इस प्रोसेस के थ्रू बनती है एक्सेशन क्या है जब नॉन पार्टी स्टेट ऑलरेडी कंक्लूडेड ट्रीटी दैट इज कॉल्ड एक्सेशन वाइट देशन मीन्स दैट दे आर नॉट दी ऑरिजिनलबर्स दी ट्रीटी वो ट्रीटी के ऑरिजिनलबर्स नहीं होते लेकिन एक थर्ड पार्टी एक नॉन पार्टी स्टेट क्या करती है ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एडहेशन नेक्स्ट आता है हमारे पास एंट्री इन टू दाउ वेन अ ट्रीटी इज रेटिफाइड बाई दैन देट ट्रीटी आफ्टर द रेटिफिकेशन केम इन टू फोर्स इमिडिएटली नेक्स्ट स्टेज आती है रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन इंटरनेशनल ट्रीटी रजिस्टर्ड होती है? इट इज़ रजिस्टर्ड एट कहाड क्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन नाउ एवरी ट्रीटी, एवरी इंटरनेशनल ट्रीटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज पब्लिश इन दफिशियल गजट ऑफ दी आर्टिकल 102 ऑफ यूनाइटेड नेशन ये कहता है दैट रजिस्ट्रेशन एंड

आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़